अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, आज हम पढ़ेंगे एक नज़म, बहुत प्यारी नज़म है, मज़ेदार नज़म है, और देखिए उसका नाम क्या है, प्यारी आपी। बड़ी बहन को क्या कहते हैं? आपी। तो प्यारी आपी, अब ये नज़म हम देखेंगे। पहले मैं नज़म पढ़ूंगी, फिर उसके बाद हम उसे समझेंगे। कमरे में कूदा काला सा चूहा, डर के भागी आपी, बिस्तर पर चढ़ी आपी, बचाओ बचाओ भाई, आफत कहाँ से आई, बचाओ बचाओ भाई, आफत कहाँ से आई, लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं, रोज ही तो उनसे मैं मार खाऊं। कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे। अब वो चूहे को क्या कह रहा है, देखें जरा। कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे। बिस्तर के ऊपर आपी से क्या डर। याद रखना भाई, शामत तुम्हारी आई। अभी आप ही कह रही हैं, याद रखना भाई, शामत तुम्हारी आई, करूं मैं तुम्हारा अब काम कोई, अच्छा आपी अच्छा, लाता हूं डंडा, चल रे चूहे भाग यहां से, आपी को सताने आया कहां से। अब देखिए, ये आपी को चूहा तंग कर रहा था, और उसने भाई ने क्या कहा। अब दोबारा आप देखते हैं, कमरे में कूदा काला सा चूहा कमरे में आ गया, और वो कूदने लगा वहां पर, डर के भागी आपी, फौरन डर के भागी, चूहे से डर गई, बिस्तर पर चढ़ी आपी, कहाँ चढ़ गई, बिस्तर पर चढ़ गई। बचाओ बचाओ, जोर से चीखी वो, बचाओ बचाओ भाई, आफत कहाँ से आई, यानी ये चूहा कहाँ से आ गया, ये बहुत बड़ी आफत है, कहाँ से आ गई, लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं। अब उस भाई ने क्या कहा, मैं क्यों बचाऊं प्यारी आपी को, क्यों, रोज ही तो उनसे मैं मार खाऊं, ये तो मुझे रोजाना मारती हैं, तो मैं क्यों इनको बचाऊं, अच्छा है चूहा इनको परेशान करे। कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे। वो चूहे को क्या कह रहा है, कूदो चढ़ो प्यारे चूहे, खूब करो परेशान आपी को। बिस्तर के ऊपर आपी से क्या डर, मत डरो बिस्तर के ऊपर आपी से क्या डरना, चढ़ जाओ चूहे चढ़ जाओ। अब वो क्या कह रहे हैं, याद रखना भाई, शामत तुम्हारी आई, मतलब ये जो चूहा चला जाएगा ना, फिर मैं तुम्हें पूछूंगी, फिर करूंगी मैं तुम्हारा हशर। अब वो एकदम भाई क्या हो गया, परेशान हो गया, करूं मैं तुम्हारा अब काम कोई। और आपी ने क्या कहा, क्योंकि आपी सारे काम भी करती थी, जाहिर है बड़े बाजों का डांटते हैं ना, तो हमारी भलाई के लिए डांटते हैं, अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे नहीं, तो बड़े डांट सकते हैं, पिटाई भी लगा सकते हैं। तो अब आप ही परेशान हो रही थी, तो उसने बदला लेना शुरू कर दिया, उसने ये नहीं सोचा कि आप ही मेरे लिए, जो मेरे इतने सारे काम कर देती हैं, मेरे कपड़े इस्त्री कर देती हैं, मुझे तैयार करती हैं, मुझे खाना भी खिला देती हैं, मुझे मेरा नाश्ता भी तैयार कर देती हैं, ये सारे काम वो भूल गया, बस अपनी पिटाई याद रखी और अपनी डांट याद रखी। अब जब आप ही ने ये बात कही ना कि अब देखती हूँ मैं तुम्हारा कोई काम करती हूँ, तो अब उसको होश आया, हाँ वाकई आप ही तो मेरे सारे काम करती हैं। तो अब जब आप ही ने कहा, करूँ मैं तुम्हारा अब काम कोई, अब देखना मैं कोई काम तुम्हारा करूँगी, अब तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी, जूते भी पॉलिश कर देती हूँ, इस्त्री भी कर देती हूँ, कपड़े खिलाती हूँ पिलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। तो अब उसको हुआ कि हाँ ये क्या किया मैंने, तो अब क्या कहा, अच्छा आपी अच्छा, यानी अब नहीं मैं ला रहा हूँ, लाता हूँ मैं डंडा। अब उसने कहा मैं डंडा लाता हूँ, नहीं आपी आप नाराज़ नहीं हो, मैं डंडा लेकर आ रहा हूँ, चल रहे चूहे भाग यहाँ से। अब उसने क्या कहा, अब चूहे को डंडे से मार भगाया, आपी को सताने आया कहाँ से। और उसने क्या कहा, अब ये कहाँ से आ गया तुम, चलो भागो यहाँ से, और चूहे को डंडे से मार कर भगा दिया। तो उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई जब आपी ने ये बात कही कि नहीं अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी, और अब देखना तुम ज़रा। तो अब उनको समझ में आ गया कि नहीं ये तो मैंने बहुत गलत किया, आपी तो मेरा इतना ख्याल करती हैं, क्या हुआ अगर कभी डांट देती हैं
और क्या हुआ, कभी मार भी देती हैं तो मेरी गलती होती है तो मारती हैं ना, और मुझे अच्छा बनाना चाहती हैं इसलिए मुझे डांटती हैं। तो उसको बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इसका काम क्या है। इस नज़म का जो शेर आपको अच्छा लगा हो वो लिखिए और इसकी तस्वीर बनाइए। अब सबसे पहले बताएं शेर क्या होता है। शेर क्या होता है, ये देखें, कमरे में कूदा काला सा चूहा। ये एक मिसरा है और ये दूसरा मिसरा है, ये दोनों मिसरे मिलकर एक शेर बनता है। इस तरह ये एक मिसरा है और ये दूसरा मिसरा है, ये दोनों मिलकर एक शेर बनता है। इसी तरीके से ये एक मिसरा है, ये दूसरा मिसरा है, फिर ये दोनों मिलकर एक शेर बनता है। अब इसमें जो शेर आपको अच्छा लगे उसको आपने वहाँ लिखना होगा, सही। अब मुझे कौन सा अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा एक, मुझे ये अच्छा लगा आप ही को सताने आया कहाँ से। अब ये दोनों हम जो है वो एक मिसरा ये और एक मिसरा ये, तो दो मिसरे मिलकर एक शेर बनता है। तो मुझे ये वाला शेर अच्छा लग रहा है, आपको कौन सा अच्छा लगा है ये भी देखें। करूँ मैं तुम्हारा अब कोई काम, तो इस तरह एक ये हो गया एक ये हो गया। आपको जो अच्छा लगता है शेर वो आपने वहाँ पर क्या है लिखना होगा। यहाँ एक मिसरा यहाँ लिखेंगे और दूसरा मिसरा यहाँ लिखेंगे, तो जो आपको शेर इस का अच्छा लगता हो इस नज़म का उसने उसको आपने यहाँ लिखना है, और फिर यहाँ पर उसकी क्या बनानी है, तस्वीर बनानी है। अब जो शेर है ना उसके मुताबिक से आपने क्या करनी है, यहाँ पर तस्वीर बनानी है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास आज हम खत्मा और सवालिया निशान, या हम इंग्लिश में भी करते हैं फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश के अंदर हम, और कहते हैं क्वेश्चन मार्क। उर्दू में आज हम ये देखेंगे कि हम खत्मा कहाँ लगाते हैं, खत्मा, और ये देखिए खत्मा, ये छोटा सा डैश जो है इसको खत्मा कहते हैं, ठीक है। और सवालिया निशान, सवालिया निशान कैसा होता है, सवालिया निशान ये देखिए ऐसे बनाते हैं। देखिए मैं बड़ा सा बना के दिखा रही हूं आपको, ये देखिए उल्टा दाल बनाया, ये देखिए ये सवालिया निशान होता है। अब देखिए हम देखेंगे कि खत्मा कहाँ लगाते हैं, किन जुमलों में खत्मा लगाते हैं, और किन जुमलों के अंदर हम सवालिया निशान लगाते हैं, सही है। अच्छा देखिए पहले हम सवालिया निशान देखते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि कहाँ खत्मा लगाते हैं और कहाँ सवालिया निशान। देखिए तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, अब मैं इसके आगे अभी कुछ भी नहीं लगा रही, मेरा स्कूल कब खुलेगा, आरिफ कौन है, दरवाजा किस ने खोला, तुम ने काम क्यों नहीं किया, क्या हम पिकनिक पर जाएंगे। आप देखिए ये सब सवाल हो रहे हैं, तुम कहां थे, तुम कहां गए थे। अब देखिए पूछा जा रहा है कुछ, जिसमें कुछ पूछा जा रहा हो वो सवाल होता है। जैसे मेरा स्कूल कब खुलेगा, आरिफ कौन है,
दरवाजा किसने खोला, तुमने काम क्यों नहीं किया, क्या हम पिकनिक पे जाएंगे, तुम्हारा नाम क्या है। देखिए इन सब में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। तो जब ऐसा जुमला हो जिसमें कुछ पूछा जा रहा हो तो वो सवाल होता है, और उसके आगे जब उसे खत्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हम क्वेश्चन मार्क, जिसे उर्दू में कहते हैं सवाल या निशान। ये देखिए, ठीक है, ये लगाते हैं। और जब इनके जवाबात होते हैं, जो जवाबात होते हैं उसमें कोई सवाल नहीं हो रहा होता, उसे कहते हैं जुमला बयानिया, जुमला बयानिया। अभी मैं लिख के भी दिखाऊंगी। अब देखिए, जैसे हम कह रहे हैं तुम कहां गए थे, मैं बाजार गया था। अब देखिए इसमें सवाल हो रहा है, नहीं सवाल तो नहीं हो रहा है इसमें। तुम्हारा स्कूल कल खुलेगा, आरिफ मेरा भाई है, दरवाजा अम्मी ने खोला था, मैं बीमार था, हम जरूर कल पिकनिक पर जाएंगे। अब देखिए ये सारे सवालात के जो जवाबात हैं, इनमें कुछ पूछा नहीं जा रहा बल्कि बताया जा रहा है। मैं बाजार गया था, अब ये पूछ रहा है मेरा स्कूल कब खुलेगा, तो जवाब इसको मिल रहा है तुम्हारा स्कूल कल खुलेगा। आरिफ मेरा भाई है, अब इसमें कुछ बताया जा रहा है। दरवाजा अम्मी ने खोला था, मैं बीमार था, यानी मैंने काम इसलिए नहीं किया, मैं बीमार था, हम जरूर कल पिकनिक पे जाएंगे। तो अब देखिए इसमें कुछ बताया जा रहा है, इसमें सवाल नहीं हो रहा बल्कि बताया जा रहा है। तो जब कुछ बताया जा रहा हो और सवाल नहीं हो रहा हो तो उन जुमलों को कहते हैं बयानिया जुमले, और उनके आगे लगाते हैं खत्मा। जब वो खत्म होता है तो उसके आगे लगाते हैं खत्मा। ये देखिए ऐसे ऐसे छोटा सा डैश, उसे खत्मा बोलते हैं, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए आपकी किताब में सफा नंबर 20 के ऊपर देखिए जुमले पढ़िए और खत्मा या सवालिया निशान लगाइए। अब यह आपने खुद करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगला सवाल है, इसमें इन जुमलों को क्या, कहाँ, कब, क्यों लगाकर सवालिया बनाकर लिखिए और सवालिया निशान भी लगाइए। अब देखें तुम्हारा नाम अली है, अब आप ये तो बयानिया जुमला है, तुम्हारा नाम अली है, ये तो बयानिया जुमला है, बताया जा रहा है इसमें तो कुछ, आपने इसका सवाल बनाना है। कैसे बनेगा, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, अब ये सारे आपने खुद करने हैं। अब दिमाग दौड़ाइएगा कि कैसे करेंगे, सही है। अब्बू जा रहे हैं, चलें एक और बता देती हूँ, अब्बू जा रहे हैं। अब देखें क्या, कहाँ, कब, क्यों, क्या फिट आएगा, अब्बू क्या जा रहे हैं, अब्बू कब जा रहे हैं, अब्बू क्यों जा रहे हैं, अब्बू कहाँ जा रहे हैं, कौन सा बेहतरीन लग रहा है। अब इस तरह ये आपने करना है। अस्सलामुअलैकुम।